साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज इस वीडियो के अंदर बजट से रिलेटेड जो एक्सेल सीट है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। साथियों, बजट से रिलेटेड एक सॉफ्ट कॉपी हमें एक्सेल के अंदर देनी है। ये निदेशालय बीकानेर के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसके तहत हमें प्रोवाइड करवानी है। निदेशालय बीकानेर द्वारा जो फॉर्मेट जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेल की सीट का निर्माण किया गया है। और इस सीट के अंदर जो फॉन्ट का निर्देश है वो हिंदी के अंदर डेवलेसिस 10 है और इंग्लिश के अंदर तो रेगुलर जो फॉन्ट चल रहा है वही आपको यूज करना है। निदेशालय बीकानेर के अकॉर्डिंग हमने भी इस सीट के अंदर डेवलेसिस 10 हिंदी फॉन्ट के रूप में यूज किया है तथा इंग्लिश के लिए हमने कैलिबरी फॉन्ट को यूज किया है। साथियों, आपके यूज के लिए हमने इस एक्सेल सीट को पूर्णतः अनलॉक रखा है ताकि आप अपने हिसाब से जहाँ कहीं पर भी करेक्शन करना हो तो आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। इस बजट से रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले जारी किया था जिसके अंदर संपूर्ण डिटेल है तथा इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई थी तथा आपके कमेंट आए थे। उन कमेंट और क्यूरीज के आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया है। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह है इसकी मास्टर सीट और इस पर किस प्रकार से वर्क करना है इसकी संपूर्ण डिटेल पिछले वीडियो के अंदर दे रखी है और जो पिछला वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर इस सीट के बारे में संपूर्ण डिटेल है और इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेरीज हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपके कई सारी समस्या आती है वर्क करते समय और वो हमारे YouTube चैनल पे काफ़ी कमेंट आए थे। उन कमेंट के आधार पर ही इस वीडियो को हमने बनाया है। एक हमारे पास जो अमूमन प्रश्न आता है वो बजट हेड से रिलेटेड है। यहाँ पर जो बजट मद है वो बजट मद जो हमारे रिलेटेड है वही हम यहाँ लिखते हैं और उसका जो बजट हेड है वो बजट हेड यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है। लेकिन कई बार आपका मिलान इस बजट हेड से नहीं होता है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। आपके पास बजट हेड लिखने के लिए तीन कॉलम रहेंगे और ये तीनों कॉलम आपको पता है, इसको साइड में थोड़ा स्क्रॉल करना है और गुरुदेव की फोटो के सामने यहाँ पर आप लिखोगे बजट का जो मद है वो मद यहाँ लिखोगे तथा जो बजट हेड है आपका पे मैनेजर के अकॉर्डिंग जो बजट हेड है वो आप यहाँ लिखोगे और अन्य जो चीज लिखनी है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। आप जो यहाँ एंट्री करेंगे वो एंट्री यहाँ पर स्वतः आ जाएगी, आप निश्चिंत रहें, ये ऑटो सेट कर रखा है, इसके अंदर आपके लिस्ट के अंदर वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने बजट मद लिख दिया, यहाँ पर आपने बजट हेड लिख दिया, उसका डिटेल यहाँ पर लिख दी तो ये जो ऑटोमेटिक है इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। साथ ही ये बजट के जो आंकड़े हैं ये आपको अपने राजकाज से प्राप्त करने हैं और वो यहाँ एंट्री आपको करनी है। उसके अलावा जो आपके कर्मचारी है उनकी जो डिटेल भरनी है ये डिटेल आपको आपके पे मैनेजर से मिल जाएगी और वो कहाँ मिलेगी वो हमने इंस्ट्रक्शन सीट पे लिख रखा है, यहाँ पर पूरी तरीके से समझाया है कि यू कैन आल्सो डाउनलोड फॉर्मेट 8 फॉर हेल्पिंग प्रपत्र 8 बाय यूजिंग पे मैनेजर। और पे मैनेजर के अंदर जाते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर आपको जाना है DDO रिपोर्ट और DDO रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा परफॉर्मा 8, उसको आप डाउनलोड कर दीजिए। आपके जितने कार्मिक हैं वो आ जाएंगे, उन कार्मिक को आपको यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रहे टाइप करना है, तब आपको मैनुअल फीड करना है। इनको फीड करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखनी है कि आपको एक तो बेसिक से ही लिखना है, मार्च 2022 का आप यहाँ पर बेसिक लिखेंगे, जुलाई को लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये अपने आप इंक्रीमेंट लगाएगा। और पे लेवल है मैट्रिक्स के आधार पर वो सही से लिखना है। इसके अलावा हैंडीकैप है या कैशियर अलाउंस उनको मिलता है तो ये जरूर मेंशन करें। उसके अलावा जो गजेटेड और नॉन गजेटेड का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको वो जरूर यहाँ पर फिलअप करें। यहाँ पर आपको टोटल 6 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा गजेटेड रेगुलर, एक मिलेगा नॉन गजेटेड रेगुलर और एक मिलेगा गजेटेड फिक्स पे और एक मिलेगा नॉन गजेटेड फिक्स पे।
और एक मिलेगा गजेटेड संविदा और एक मिलेगा नॉन गजेटेड संविदा। अगर आप इस चीज को सही से फिलअप करते हैं तो आपका जो फॉर्मेट 8 होगा उसके अंदर सही से डिटेल आएगी। जैसे हमारे ये कार्मिक हैं जो गजेटेड रेगुलर हैं तो ये यहाँ पर आएंगे, और यहाँ नीचे चलोगे नॉन गजेटेड रेगुलर का है तो ये ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएंगे। अगर आपने गजेटेड संविदा और नॉन गजेटेड संविदा कर रखा है, वैसे हमने ये केवल आपको बताने के लिए किया है, ये डेमो के रूप में है, तो इस प्रकार हमने इनको सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रहे, यहाँ पर आप सही से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट 8 के अंदर इनकी एंट्रीज ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान रहे, ये एंट्री जरूर चेक कर ले जिसके अंदर डीए रेट है और डीएनएस और इसके अलावा डीए एरियर जो भी है वो सही से फिल करें। यहाँ पर एचआरए 9% कर रखा है, हो सकता है आपके 18% हो, तो आपको केवल मात्र 18 लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है एचआरए @ ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये ऑटो आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, केवल मैं 18 लिखूंगा और आगे बढ़ूंगा ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी, ये सारी चीज ऑटो आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 9 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 9 ले लेगा और यहाँ की कैलकुलेशन 9% के आधार पर हो जाएगी। आप यहाँ पर जो भी करेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। और इसके अलावा आपको अच्छे से बारीकी से चेक करना है। इनको हम अनलॉक इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैटर है और इसके अंदर एक दो रुपया भी ऊपर नीचे नहीं चलता है, इसलिए आप अपने स्तर पर जरूर चेक करें। पता जहां कहीं पर भी गणितीय मिस्टेक है तो उसको जरूर सुधारें। इसके अलावा प्रिंट करते समय कुछ सावधानियां आप रख सकते हैं, जैसे इतनी सेल आपके सामने ब्लैंक आ रही है तो आप इन सेल को हाइड कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके फिर मैं राइट क्लिक करूं और उसके बाद यहां से हाइड करूं, तो हाइड करते ही ये मेरे ये सब कॉलम हाइड हो चुके हैं। अब मैं इसका प्रिंट लूंगा तो इतना सा प्रिंट आएगा और मुझे ज्यादा फालतू के पेपर प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आपके यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि ये नीचे भी कॉलम आपके अनयूज है तो आप इनको सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हाइड ऑप्शन काम में लिया तो ये सारे जितने अनवांछित सेल थी वो सारी की सारी हाइड हो चुकी हैं। और अगर आपके कार्मिक ज्यादा है तो आप यहाँ से पुनः अगर अनहाइड करेंगे, अनहाइड करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऊपर वाली सेल और नीचे वाली दोनों सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ में और फिर राइट क्लिक कीजिए, आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको अनहाइड कर दीजिए। ऐसे अनहाइड करते ही आपकी जितनी भी सेल है वो पुनः वापस आ जाएगी। अगला जो प्रपत्र 9 है वो प्रपत्र 8 से रिलेटेड है, टोटली प्रपत्र 8 से यहाँ एंट्री आ रही है और जो मास्टर सीट है वहां से यहाँ एंट्री आ रही है। आप इसको भली भांति चेक करें और कहीं पर भी आपको कुछ शंका हो तो जरूर आप उसको चेक करके उनमें संशोधन करिए। ये सीटें जितनी भी हैं वो सब आपकी सुविधा के लिए बना रखी हैं, ऐसा नहीं आप किसी के भरोसे पर न रह के आप अपने स्तर पर जरूर चेक करिए। आपका प्रपत्र 10 है उसके बाद इसकी समरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद में ये डिमांड प्रपत्र है ये भी ऑटोमेटिक बन जाएगा और इसको चेक करके फिर आप इसमें सिग्नेचर करना है। इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचना मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है और इस प्रकार का आप शपथ दे रहे हैं, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप इसके जो आंकड़े हैं एक बार अवश्य चेक करें। कार इसमें लगभग 25-26 सीटें हैं जो इसके साथ अटैच कर रखी हैं। ये जो ग्रीन कलर कर रखा है वो तो जरूरी मांगे जाते हैं और बाकी जो कलर कर रखे हैं वो आवश्यकता पड़ने पर आप इनका प्रिंट दे सकते हैं। ये टोटल सीटें हैं आपके सामने आ रही हैं, ये सारी की सारी सीटें आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ये आपके सामने टोटल सीटें मैंने बता दी हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और सीटें हैं, जैसे अगर किसी का सेवन पे का फिक्सेशन एरिया अभी भी बाकी था अब दिया है तो उसका भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और
इसके अलावा कुछ सीट अंत में दे रखी है जो आपकी जरूरत की नहीं है, उनको आप पड़ी रहने दें, उनका प्रिंट नहीं निकाले, और जो आपकी जरूरत की है उसका प्रिंट निकाले। लास्ट के अंदर आपको मिलेगा फॉरवर्डिंग लेटर, आप ये फॉरवर्डिंग लेटर भी निकाल सकते हैं और इसमें जो चीज़ आपने नहीं ली है उसको यहाँ से हटा सकते हैं। जो संस्था और संस्था प्रदान की सील वगैरह बनी है और आपका जो IFMS कोड वगैरह सब है, ये मास्टर सीट पर एंट्री जब करोगे आप तो ये पूरी सब सीटों में हो जाएगी, आपको कहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से ये मास्टर सीट है ये फिलअप करनी है, यही सारे डाटे आगे प्रत्येक सीट पे जा रहा है। अगर आपका इनपुट अगर सही है तो आपकी इस सीट का आउटपुट एकदम ओके आएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके संस्था के जो बजट हैं आप आसानी से बना लेंगे और जितने भी प्रपत्र थे वो सब यहाँ लगा दिए हैं। आप अपने स्तर पर चेक करते हुए उनका प्रिंट लेके आगे आप उसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बेच सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक नई सूचना के साथ आपके सामने एक बार पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।